स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जयपुर में हुए कामों को देखने सांसद रामचरण बोहरा पहुंचे। उन्होंने किशनपुर बाजार में बनाई गई स्मार्ट रोड से दौरा शुरू किया तो एंट्री होते ही गंदगी और खामियां देखने को मिली। इस पर सांसद ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों को हकीकत दिखाई तो जवाब देते नहीं बना। दौरे से पहले सांसद ने हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनीश गुर्जर और स्थानीय विधायक अमीन कागजी को भी बुलाया, लेकिन वो दौरे के दौरान नदारद मिले। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने अजमेर गेट से स्मार्ट सिटी के तहत हुए कार्यों का दौरा शुरू किया। अजमेरी गेट पर ही सांसद को खराब फाउंटेन और गंदगी टूटी रेलिंग देखने को मिली। इस पर नाराज सांसद ने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा, एंट्री पॉइंट ही ऐसा है तो पर्यटक स्मार्ट सिटी में क्या देखेगा। इसके बाद किशनपुर बाजार में स्मार्ट रोड का निरीक्षण किया तो वहाँ रेलिंग टूटी मिली, सड़क पर तार लटके मिले, सड़क के बीच लगाई गई हरियाली उजाड़ नजर आई। साइकिल और रिक्शा चालकों के लिए बनाए ट्रैक पर गाड़ियां खड़ी मिली। फुटपाथ पर लगाए गए कोबल स्टोन भी टूटे मिले। बाजार की गली के किनारे कचरा डिपो मिला। इस पर सांसद ने अधिकारियों को 15 दिन का समय देते हुए फिर से दौरा करने की बात कही।